ਰਾਤੀ ਪੜ ਗਈ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चला गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे अल्लाह ताला की ख़ास रहमत करम और फजल के साथ। और इस दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको अपने फ़ज़ल में रखे, अल्लाह ताला मुझे भी अपने फ़ज़ल में रखे। तो लेट्स स्टार्ट ब्रांड न्यू व्लॉग। पढ़ी है, बाकी लोग पढ़ के चले गए हैं। मैंने सोचा मस्जिद में बैठ के थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। मस्जिद में बैठने का भी अपना ही मज़ा है, सुकून के साथ बंदा बैठता है और सुकून होता है इधर मस्जिद में बैठ के। अभी कुरान मजीद भी शुरू करना है अल्हम्दुलिल्लाह, एक पारा जो है ना, एक पारा डेली इधर मस्जिद में बैठ कर पढ़ना करना है। ये देखें हमारी मस्जिद माशाल्लाह से। अगर तो मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियो कैसी लगती है। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप लोगों की बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हम जा रहे हैं लाहौर अपने इशफाक भाई बट्टी भाई के पास। और अभी गाड़ी की मैंने सोचा हवाएँ चेक करवाते हैं, तो भाई साहब पंचर बता दिया, अभी देखते हैं। पहले तो भाई साहब कह रहे थे दो पंचर हैं, लेकिन एक ही पंचर है। उस हवा शवा चेक करवा के पंचर लगवा के अपना सफर करते हैं शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नारोवाल पहुंच चुके हैं हम। ये नारोवाल सिटी है, नारोवाल से गुजर हो रहा है हमारा। बरास्ता मोटर पे जाएंगे हम अपने बट्टी भाई के पास, रात उनके पास रहेंगे, उसके बाद सुबह निकलेंगे सियालकोट के लिए। नारंग से होते हुए हम पहुंचे हैं जी मोटरवे मरीके से थोड़ी दूर पहले, और इधर से हम जाएंगे मोटरवे बरास्ता एयरपोर्ट वाली साइड पे जल्लो मोड़ से नीचे उतरेंगे और वहां से जाएंगे जौहर टाउन। ये रहा जी टूल प्लाजा, इधर फर्स्ट टूल प्लाजा अदा करेंगे और उसके बाद अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा होंगे। सामने आप देख सकते हैं कि टोल प्लाजा है, इधर से पीछे से पर्ची मिलती है खाली, इधर आगे पैसे देने होते हैं। उसके बाद सीधा एक रोड जाएगा 32 चौक, और लेफ्ट साइड हो जाएगा एयरपोर्ट वाली साइड। हमने जाना है जी भाई साहब एयरपोर्ट वाली साइड पे, एयरपोर्ट वाली साइड पे रिंग रोड पे चढ़ेंगे, तो जल्लो मोड़ से हमने नीचे उतर आना है रिंग रोड से। तो इधर प्लाजा टोल प्लाजा है जहाँ पे दे के हम फिर रवा दवा है अपनी मंजिल की तरफ। मोटरवे से हमने टर्न ले लिया है एयरपोर्ट साइड को, जो एयरपोर्ट को रोड जाता है, रिंग रोड जाता है। इसी मोड़ से हम थोड़ा सा आगे जाएंगे इसी रिंग रोड से, तो आगे आएगा जल्लो पार्क। तो जल्लो पार्क से हम नीचे उतर जाएंगे इंटरचेंज से, और वहां से जाएंगे हम सीधा जौहर टाउन अपने इशफाक भाई की शॉप पे। अम्मी लोग बैठे हुए हैं पीछे, इनको मैं छोड़ूंगा घर और फिर जाऊंगा शॉप पे। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। कम शम कर लेंगे सही, समझ नहीं आ रही है। लाइट लानी है,
ये जी जोहर टोन में बट्टी भाई की दुकानें हैं, दो तीन तीनों चारों भाइयों की। तो इधर हम आए थे, अभी चलते हैं घर चुकनिया लंगर। और लंगर में है जी चावल और दाल, माशाल्लाह से चिट्टे चौलों का दाल का अपना ही लेवल है, जबरदस्त हो गया। खाते हैं जी और एंजॉय करते हैं। रात को खाना खाने के बाद सो गए थे, सुबह जल्दी निकल चुके हैं हम। अभी गुजरांवाले सिटी में हम पहुंच चुके हैं, जीटी रोड के जरिए हम जाएंगे सियालकोट। तो अभी गुजरांवाले में है, गुजरांवाला क्रॉस कर ही लिया है हमने। इसके बाद ये देखें गुजरांवाला को हम करेंगे जी खुदा हाफिज। इसके बाद डस्का, डस्का के आगे सियालकोट जहाँ पे जाना है हमने जी। तो ये है जी मोटरवे सियालकोट और लाहौर को जो मिलाती है, यहाँ से इंटरचेंज है थोड़ी दूर पहले, तो यहाँ से चढ़ती है जी मोटरवे लाहौर के लिए इस्लामाबाद। और गुजरांवाला भी इंटरचेंज है पसरूर के पास, वहाँ भी आप उतर सकते हैं। ये देखें ये नीचे से पुल है, ऊपर पुल के नीचे से हम जा रहे हैं और ऊपर से है जी मोटरवे का। ये है चाइना चौक, सियालकोट का मशहूर चौक। पहले इधर चांद बना हुआ था, अब भाई साहब इधर चांद नहीं है, लेकिन ये चाइना चौक है। इधर से हम जाएंगे अपनी फुफो जान के घर। तो ये अभी हम मेन रोड पे हैं, साथ ही हम हो जाएंगे ये गली में लेफ्ट। अभी इधर से थोड़ा सा लेफ्ट जाएंगे और सामने ही हमारी फुफो जान का घर है। फुफो जान को हमने पहले बता दिया था कि हम आ रहे हैं सियालकोट। सुबह सुबह हम निकले थे, जो धूप जो है ना जोरों की लगी हुई है। तो ये लंच का इंतजाम पहले ही कर दिया था फुफो जान ने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये है जी उनका घर माशाल्लाह, अभी न्यू बनाया है इन्होंने, बहुत डेकोरेट किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। और लंच हमारा रेडी है और ये आज की वीडियो का यहीं पे करते हैं एंड। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह ताला मुझे भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।